एक माँ ऐसी भी रात के घने अंधेरे और निशब्दता को चीरती हुई एक बच्ची की रोने की आवाज बहुत देर से आ रही थी, पर लग रहा था कि शहर में रहने वाले लोगों के कान भी दिल की तरह बहरे हो चुके थे, सब सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। तभी उधर से हीरा माँ गुजरी और वो ये आवाज सुनकर अपने आप को रोक ना सकी और कचरे के ढेर पर पड़े उस बच्ची को उठाकर ले चली अपने ठिकाने पर। अपने ठिकाने पर जाकर हीरा माँ ने देखा कि वह रुई के फाये सी कोमल एक बच्ची थी, जिसे शायद बेटी के रूप में जन्म लेने की सजा मिली थी, जिसे उसी के जन्मदाता फेंक कर चले गए थे। हीरा माँ ने उस बच्ची को सीने से लगाया और आश्चर्य से वो बच्ची भी, जो अभी तक गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी, एकदम शांत होकर टुकुर टुकुर देखने लगी हीरा माँ को। हीरा माँ जो एक किन्नर थी, जब अपनी मांसल आवाज में लोरी गाती तो सुरभि हा यही नाम दिया था हीरा माँ ने उस बच्ची को, तुरंत चुप हो जाती और नींद के आगोश में समा जाती। सोजा मुनिया तू तो है मेरी दुनिया, इस दुनिया से है तुझको लड़ना, कभी नहीं मुसीबतों से डरना, सो जा मुनिया मेरी दुनिया। माँ की लोरी तो अमृत है जो बच्चों के कानों से उतरकर दिल तक तृप्त कर जाती है। इसी तरह से ये लोरी सुन सुनकर सुरभि अब बड़ी हो गई थी और एक स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी, पर अब भी जब तक वह अपनी हीरा माँ से लोरी ना सुन ले उसे नींद नहीं आती। उसकी ममत्व पूर्ण आवाज और सिर पर थपकी दे देकर सुलाने के अंदाज से सुरभि को असीम सुख और शांति का अनुभव होता और वह गहरी नींद में डूब जाती। कुछ वर्षों बाद हीरा माँ नहीं रही, पर उनकी वो लोरी सुरभि के कानों में आज भी गूंजती है और इसे दुनिया से लड़ने और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। सच ही है, माँ बनने के लिए गर्भ धारणा करने की जरूरत नहीं है, बिना प्रसव वेदना से भी माँ बना जा सकता है। ममता और प्यार दो दिल में होना चाहिए। जहाँ एक ओर सुरभि के पैदा करने वाले माँ बाप उसे कूड़े के ढेर पर पटक गए क्योंकि वो एक लड़की थी, वहीं दूसरी ओर हीरा माँ ने एक किन्नर होते हुए भी माँ बनकर उसे लोरी दी और बाप बनकर अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया। धन्य है ऐसी माँ। थैंक यू।